नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूं, तो आइए देखिए क्या मैं बना रही हूं। किचन की तरफ चलते हैं। ये चने की दाल है, ये उड़द की दाल है। तो चने और उड़द को मिक्स करके मैं बना रही हूं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो इसे मैं धो लेती हूं। तो अच्छी तरह से इसे मैं दो पानी से धो रही हूं। तो धो लिए और कुकर में डाल दिए और इसमें पानी डालूंगी। तो इसमें हल्दी डाल देती हूँ एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। सीटी लग चुके हैं और इन सभी को मैं काट ली हूँ। दो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, और अदरक लहसुन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, और मिर्च को भी काट ली हूँ। तो चलिए इन सब से मैं छौंक लगा देती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा चटक चुका है और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। अदरक लहसुन डाल देते हैं। और इसमें प्याज डाल देती हूँ। हल्दी आधा चम्मच, मिर्च 1/4 चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हूँ इसलिए, और आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं, और धनिया 1 चम्मच। तो मसाले से खुशबू आने लगे हैं, अब इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। तो टमाटर गल चुका है, इसमें थोड़ी सी हरा धनिया, अब इसमें दाल को डाल देती हूँ। और इसे 5 मिनट तक सिर्फ बॉयल होने देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट। इसमें अच्छे से मसाले की खुशबू और फ्लेवर आ जाए दाल में, इसलिए इसे ढक के पकाती हूँ। तो 5 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
तो इसमें एक चम्मच शुद्ध घी डाल दें या मक्खन डाल दें, बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। और थोड़ी सी धनिया, फिर इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। तो चलिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये दाल बहुत ही, अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। और ये दाल मक्खन डाल के, जो दाल मखनी कहते हैं, तो समझिए वो हमारा दाल मखनी तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाएं रेस्टोरेंट जैसे घर पे और खाएं। तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। ये दाल इतना टेस्टी बनाया है कि मैं इस दाल को चखी हूँ, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि अभी चावल और भी सब्जी बनने में देर था, तो मैं देखी खा के, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप एक बार इस दाल को ज़रूर बनाएं और खाएं। तो चलिए मैं तो खाने चली, आप भी इस तरह से बना के खाएं। अगर हमारा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।